लगता है गणेश के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। यहाँ नचेरी भी लेके कैसे भाग रहा देखो। अपनी भड़ास तो दिल में दबा के रखो, जैसे ही गणेश हाथ लगेगा उसे उसे काट डालेंगे। गला सूखने तक इन लोगों ने तुझसे पूछा, लेकिन ऐसे तुझसे पूछने से कोई फायदा नहीं, तेरा नसीब खोटा है। अरे चल रहा, कोई मुझे बचाओ। हे भगवान, हाय दैया, बाप रे, जलन हो रही है। अरे चल रहा है, कोई कुछ करो, कोई कुछ करता क्यों नहीं? गणेश, अगर तेरे जान पहचान वालों का ये हाल है तो तेरा क्या हाल होगा? भवानी के खिलाफ किसी ने मेडिकल काउंसिल में कंप्लेन किया है, वो पता लगाने के लिए मार रहे हैं। मारने वाला भी कोई आएगा भवानी? किसने बोला? किसने मेरे खिलाफ किसने आवाज उठाई? तुम में इतनी हिम्मत? आज के बाद यहाँ कोई आवाज नहीं उठा पाएगा। तो डालो सबको। इस तरह की गुंडागर्दी क्यों करते हो? ए, प्रोफेसर हो, इसलिए चुप हो, नहीं तो तुम्हारी भी खैर नहीं। जाओ यहाँ से, जाओ। बेखबर जा रहा है। किताब पढ़ने के लिए होती है, फेंकने के लिए नहीं। कॉमेडी कर रहा है। कॉलेज में नया है क्या? भवानी, जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो मिल गया। Thank you.
जी मिसेस पार्वती, इस बार भवानी सिंह को माफ कर दीजिए। चेयरमैन का बेटा है इसलिए। हमारे चेयरमैन हर अमीर गरीब बच्चे पढ़ लिखकर डॉक्टर बने इसी मकसद से इस मेडिकल कॉलेज को बनाया है, लेकिन उन्हीं की औलाद दूसरे स्टूडेंट्स के लिए रुकावट है ये जान गए तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ही इज ए हार्ट पेशेंट। आई अंडरस्टैंड सर, लेकिन ये कोई मेडिकल कॉलेज थोड़ी ना लगता है। फिर से भवानी इस तरह की हरकत करे और आप चुप रहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। आई एम सॉरी सर। यस सर। मिस्टर गणेश, आप फोर्थ ईयर में वो भी बीच में भर्ती हो रहे हो, खुद को कॉलेज और हॉस्टल तक सीमित रखिए, उसी में आपकी भलाई है और हमारी भी। अब आप जाके हॉस्टल के वार्डन से मिलिए। थैंक यू सर। से मिलने के लिए कोई आया? कौन आया है? ये खड़ा है, देख ले। खत लाया है। लड़का तो हाइट और वेट वाला जवान मर्द है, इसी के कंधे पे बंदूक रख के मैं गोली चलाऊंगा। ए, काम कर, भाई को ले आके मेरे कमरे में बिठा, मैं थोड़ी देर में आके इनसे मिलता हूँ। ये लो, तुम जाओ भाई। क्या है कि? अरे कोई बात नहीं, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा, फिक्र मत करो। तुम्हारे खाने पीने का सारा इंतजाम मैं कर दूंगा, तुम जाओ। चलिए, मैं हूं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वार्डन, ये कौन है? कौन है? 6 फुट का हट्टा कट्टा जवान है, पूछते कौन है। मेरा सेटअप क्या हुआ? गुंडा है यार, जो स्टूडेंट बन के आया है। आज के बाद इस हॉस्टल में कब कहां और क्या होगा कोई भी नहीं बोल सकता, जान लो। वो कोई पेपर दिखा रहा था आपको? वो भवानी सिंह को किस किस तरीके से काबू में करना है उसके बारे में लिस्ट बना के मैंने दिया था। परफेक्ट है बोल के दिखा रहा था। यही बात है। क्या है कि अब इस पे खर्च करने के लिए पैसे काफी नहीं होंगे। हमने दिया है ना। मारूंगा साले, वो तो एडवांस के लिए भी पूरा नहीं हुआ। एक दिन में 5 रुपया खर्चा है उसका, उतनी तो मुझे सैलरी भी नहीं मिलती। अब मैं कहां जाऊंगा? हम लोग और भी देंगे। अरे ये हुई ना बात, डालो डालो मेरे राजा डालो। अब उस भवानी की कहानी हमेशा के लिए बेमानी कर दूंगा। तुम लोग एक काम करो, दूसरे लोगों से भी पैसे वसूल करके जाओ। बाप रे। ए भाई गणेश, तुम एक समझदार बालक हो, इसलिए तुम्हें मेरे कंट्रोल में रखवाया है डीन ने। मुझसे पूछे बिना ना तुम चलोगे, ना हिलोगे और ना इधर उधर घूमोगे। सिर्फ यही नहीं, इस हॉस्टल में किसी से बात तक नहीं करोगे। क्यों? ठीक है, समझ गया ना? ठीक है, समझ गया तो अच्छा है, ऐसे घूर क्यों रहे भैया। गुड नाइट, लाइट ऑफ करके पढ़ो, मैं सोने जा रहा हूं। स्टडी कर सकता हूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हेलो, ये मैं गणेश बोल रहा हूँ। ए गणेश, तू मेरी बात ध्यान से सुन। गंगू कालिया के फरार होते ही उसके कुछ आदमी तुझे मारने के लिए चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। जेल में राजा भैया से मिलने के लिए उसके कुछ गुंडे वहां भी आने वाले हैं, इसलिए बेवजह तू बाहर मत घूमना, अपना ख्याल रखना। ठीक है यार। मुझे खातिल मत बना। बोल, गणेश कहाँ है? गणेश कहाँ है? बोल, बोल भी, बोल, कहाँ है गणेश? अरे तू तो बोल, बोल ना। अरे बाप रे, मर गया। हट जा, हट जा, हट बे। गंगू भाई, अरे छोड़ ना, अरे छोड़, छोड़ ना। ये क्या भाई? आओ बहन जी, आओ ना, बैठ जाओ, बैठो बैठो। गणेश कहाँ है पता लगाने के लिए कहा था, लेकिन निकम्मे लोग ये तो। हे मंगल,
जब ये नहीं जानते कि वो कहाँ है तो बेचारे क्या बताएंगे। हाँ जो हुआ उसके लिए माफी मांग। माफ करो ओ बाबा, माफ करो। चुपचाप चलना, चलता बहन जी। ओए, चाय कॉफी पीने वाले तुम लोगों में इतना दम है तो रोज किसी न किसी का खून पीने वाले मुझ जैसे गुंडे में कितना दम होगा, काट डालूंगा। ओए, तुम तीनों को क्यों जिंदा छोड़ रहा पता है? जैसे तुम बचाना चाहते हो उसकी पोटी मोटी करके तुम लोगों के सामने फेंक दूंगा और तुम लोग वो नजारा देखोगे, देखोगे। अरे गणेश, तेरी मौत बन के मैं आ रहा हूँ। जानता था इस तरह बाहर जाओगे, पहले ही बताया था ना कि बाहर मत घूमो, हॉस्टल में रहो। दोबारा फिर ऐसा मत करना। गाड़ी निकालो। हेलो, चोरी जी सर, ये 50 नहीं चलेगा। हाईवे पेट्रोल। हेलो सर, प्लीज सर। पेट्रोल मैत्री कॉलिंग। यस सर, एक्सप्रेसवे में 4 बाइक ओवर स्पीड में आ रही है। रोको 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 रोको, लाइसेंस निकालो। हाय, क्या चाहिए? कुछ नहीं तो हम लोग जाइए जाइए, आप लोग जा सकती हैं। Thank you.
मर्दों की साइकोलॉजी पर रिसर्च करके कैसे कैसे पॉइंट्स निकाले हैं पता है? तेरी नजर में सारे मर्द विमेनाइजर्स हैं, फ्लर्ट ना करने वाले मर्द भी तो होते हैं। नहीं, मेरी रिसर्च 100% सही है, सारे मर्द ऐसे ही हैं। जरा भी अकल नहीं है, यहाँ पढ़ने के लिए आई हो ना, वहाँ क्लास चल रहा है, यहाँ क्यों खड़ी हो, जाओ यहाँ से। ये काफी स्ट्रिक्ट प्रोफेसर है ना। हाँ। चल इन्हें दीवाना बना के दिखा, तब मानूंगी। बस इतना ही, एक मिनट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो। हाय डार्लिंग। कौन है? सॉरी, लगता है रॉन्ग नंबर लग गया, बट आपकी आवाज है ना एकदम सेक्सी है। ये मुझसे बहुत सी लड़कियों ने कहा है। मैं आपके साथ बात कर सकती हूँ ना? आर यू फ्री? मुझे और क्या क्या, दिन रात बात कर सकता हूँ। आप दिखने में कैसे हैं? गजनी फिल्म देखी तुमने? उसमें आठ पैक वाला अमीर है ना, बिल्कुल वैसा ही हूँ। गंजा अमीर की तरह? अरे नहीं नहीं नहीं, फ्लैशबैक में जो आता है ना संजय सिंघानिया, मैं उसकी तरह हूँ। एक बात मालूम है, तुम जिस मोबाइल से बात कर रही हो ना, वो किसकी कंपनी है? मेरी कंपनी। अरे वाह, ये आपकी है? आपसे बात करती हुई मैं कहां पहुंच जाती हूं पता है? इट्स ऑल इन द गेम। क्लास में आइए ना सर। बहुत जरूरी मीटिंग में हूं, कबाब में हड्डी बन रही हो। वैसे भी पढ़ के कौन सा 100 मार्क लेने वाली हो? बस नाम है ज्ञानेश्वरी। चला। क्या कह रहे थे? अरे नहीं नहीं नहीं, तुमको नहीं बोल रहा हूँ। कुछ क्लास लेसन ऐसा कुछ कह रहे थे ना। आपकी आवाज तो बिल्कुल हमारे प्रोफेसर टकलू रामपाल की तरह। इस तरह क्यों डर रही हो? अरे नहीं चाचा, मैंने आपको नहीं कहा। हमारा वो बुढ़ा खूसट उल्लू का पट्टा लुच्चा लफंगा लाल टपकाने वाले उस प्रोफेसर को डांट रही थी। समझदार बच्चे ऐसे नहीं बोलते, ये गलत बात है ना। ये क्या सर, मैं आपको थोड़ी ना डांट रही हूँ। आप तो संजय सिंघानिया है ना? अरे कौन सा सिंघानिया, मैं तो रामपाल ही बोल रहा हूँ। जैसे कि हम जानते ही नहीं। अरे वहाँ की घंटी यहाँ कैसे सुनाई दे रही है? हाँ, एक ही जगह पर है तो सुनाई देगी ना। ए, ए, इसी कॉलेज से फोन करके मुझे बना रही हो? कौन है तुम? मैं तुम्हें कॉलेज से डिसमिस कराऊंगा। कौन है तुम बताओ? मैंने तो सोचा नहीं था ये प्रोफेसर ऐसा आदमी है। आप मान गई ना कि सारे मर्द दीवाने होते हैं। सबको दीवाना कहने वाली तू एक न एक दिन किसी की दीवानी बनी घूमेगी, यकीन मान ये दिन दूर नहीं। डियर स्टूडेंट्स, I hope you understood what you read about the brain and the nervous system. To make things more clear, now we will have the slide presentation. The brain is the major organ of the central nervous system and also the central center for all the involuntary activities. We have three major parts of the brain. Cerebellum and the medulla oblongata. In adults, this complex organ weighs more. Approximately 1.4 kgs. It has more than 10,000 million nerve cells. अरे ये क्या? कोई reaction नहीं है? रुक रुक, मैं try करती हूँ. The body, like senses, emotions, etc. Now we will go to the next slide. The brainstem controls the vital functions like breathing and also our body. देखते हैं क्या करता है. Children, reflexes are very important for other actions. What's happening? दिख नहीं रहा, थोड़ा हटो बोलने पर इसने मुझे धक्का दिया मैडम. गणेश स्टैंड अप। नहीं मैडम, इसी ने। तुम कॉलेज पढ़ने के लिए आते हो? अपनी दादागिरी गुंडागर्दी वगैरह कॉलेज के बाहर रखो, आइंदा मेरी क्लास में मत आना। मैडम इसने ही मेरे साथ वो। जस्ट गेट आउट, आई से गेट आउट। आउट। तुम बैठो। Now let's get back to the subject. The brain is also a sensory organ. Apart from that, in addition, sorry sir, फिर ऐसा नहीं करूंगी. Okay, you may go now. Sir, बैठिए. आपने गणेश के बारे में गलत समझा है. Thank you.
उसकी पढ़ाई खत्म होने तक आप ही को उसकी मदद करनी होगी। ओके सर। मोहन मैडम, कनेक्ट से कहना कि मुझे घर पे फोन करे। ओके मैडम। ओके। हेलो मैडम, मैं गणेश बोल रहा हूँ। क्या माहेश? मैडम मैं गणेश बोल रहा हूँ। मैं बैरी नहीं हूँ, धीरे से बोलो। वो आपने फोन करने के लिए कहलवाया था। ये लो। आ, बैल मुझे मार। मैं क्यों तुम्हें फोन करने को बोलूंगी? हेलो, ये 2676-1598 है ना? हाँ वही है। मैडम है घर में? एक मिनट। मम्मी फोन। वेट करने के लिए कहो, अभी आती हूँ। हाँ माँ किचन में कुछ काम कर रही हैं, अभी आ जाएंगी। तब तक क्यों ना हम दोनों बात करें। तुम्हारी आवाज सुनने से लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट बंदे हो। मेरी माँ जब घर पे नहीं होती तो तुम मुझे फोन करोगी ना? घबराओ मत यार, मैं माँ से कुछ नहीं कहूंगी, ये आपस की बात है। मेरे आगे पीछे कितने लड़के घूमते हैं पता है? लेकिन पता नहीं कैसे तुमसे बात करते ही मैं तो तुम्हारी लैला बन गई हूँ। क्यों ना हम दोनों शादी कर ले। शादी करने के बाद सुहागरात मनाते हैं, या फिर सुहागरात मनाने के बाद शादी कर लेते हैं, वो तुम्हारी मर्जी। मुझे कुछ भी हो चलेगा। प्लीज मैडम को फोन दीजिए ना। ए, बेकार में संत महाराज मत बनो। माँ ने मेरी शादी के लिए बहुत सारे गहने बनवाए हैं, बस इशारा काफी है। वो उसकी भी जरूरत नहीं, मैंने पोटली बांध के रख ली है। क्यों ना ऐसा करें, हम दोनों कहीं भाग जाते हैं। अपना काम फिर शुरू कर दिया। कौन है फोन पे बेचारा? तुम्हारा स्टूडेंट गणेश। ला मुझे दे। हेलो गणेश, अभी तुम मेरी बेटी से बात कर रहे थे। वो बीएससी साइकोलॉजी पढ़ रही है। लड़कों की साइकोलॉजी रिसर्च करने के बहाने इसी तरह कुछ न कुछ हरकत करने में मशरूफ रहती है। अगर उसने कुछ गलत कहा तो? अपने फोन करने के लिए कहलवाया था ना। तुम्हारी पूरी कहानी और आज जो हुआ वो प्रिंसिपल से मुझे पता चली। सॉरी गणेश, आज के बाद तुम्हें पढ़ने में जो भी मदद चाहिए मुझसे पूछना। थैंक यू मैडम। एकदम दीवाना है ये गणेश। जैसा कि तुम समझती हो उस तरह का वो कोई दीवाना या परवाना नहीं है। He is different. क्लास में उसे छेड़ने वाली एक लड़की को गुस्से में उसने चाटा मार दिया। तुम भी जरा सावधान रहना। जाओ, गुड नाइट। गुड नाइट। हैरिसन की लिखी टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन लाइब्रेरी में होगी, उसे जरूर पढ़ना। That will be very useful. अरे उसे देखना, मस्त आइटम है ना? लेकिन साली कभी घास नहीं डालती। उसे देखो। ए, बुलाओ उसे। अरे गणेश, इधर आना। अरे आना। अरे डरो मत, आओ ना। हेलो मैडम, दो मिनट के लिए छोड़ दो, भेज देंगे। अबे ओए, आना। क्या राजा, कैसा मासूम बन के आ रहा है देख। क्यों भाई, मैडम तुझे पल भर के लिए भी नहीं छोड़ रही है? ए भवानी, आज स्पेशल ट्यूशन में क्या क्या सिखाने वाली है इस डिस्कशन के बीच तुमने बुलाया तो वो कैसे छोड़ेगी? ऐसा है क्या? अच्छा ये बता, पुरानी गाड़ी चला कर लाइसेंस तो ले लिया, नई गाड़ी कब चला रहा है? नहीं समझा, पुरानी गाड़ी ये और नई गाड़ी इसकी बेटी। गणेश चलो यहाँ से। इसे देखो, ड्राइवर को रिपेयर कर रहा हूँ तो गाड़ी को तकलीफ हो रही है। चलो गणेश। ए भवानी, तुझ पे उसने हाथ उठाया और तुम चुप बैठे हो, बाकी स्टूडेंट्स को हम क्या मुंह दिखाएंगे? ए भाई गणेश रुक जा। लड़के देख रही थी, कॉलेज खत्म होते ही सारे लड़के भाग जाते हैं, एक तुम के पास यहीं घूमते रहते हो। नहीं मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ वार्डन जी। जब भी देखो पढ़ाई पढ़ाई करते रहते हो, और कोई काम नहीं है क्या? लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे, उस प्रोफेसर को सबक सिखाना ही पड़ेगा। कल अगर मैंने कुछ किया होता तो मेरे बाप को रिपोर्ट चली जाती और मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाती। इसका मतलब उसे ऐसे ही छोड़ोगे? उससे बदला लेने के लिए मेरे पास दूसरी तरकीब है। कैसी तरकीब? उससे पता चले कि हमने किया है लेकिन हमारे खिलाफ कोई सबूत ना हो। पता है कैसे? वो अपनी जिस लाडली बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार करती है उसके हाथ पैर तोड़ने के लिए मैंने अपने लड़कों को उसके कॉलेज भेज दिया। वार्डन किसी तरह उस लड़की को बचाना होगा, उसका कॉलेज कहाँ है आपको पता है? वो तो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है यार, वहाँ पहुँचने तक सब कुछ हो चुका होगा। हनुमान जी की तरह उड़ के भी जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ये पकड़िए। अरे ये
भवानी, लौंडी आ रही है। पकड़ो उसे और खत्म कर दो साली को। क्या कर रहे हो? एक लड़के को पकड़ नहीं सकते निकम्मा, पकड़ो साली को। भवानी, तुम्हारा फोन। ए भवानी, दरवाजे के नीचे देख, जो बह रहा है वो कोसी का पानी नहीं, पेट्रोल है। तुम लोग इस वक्त केमिकल लैब में हो, ये मत भूलना। एक तीली जलाकर डाल दिया ना तो तुम सब जलकर राख हो जाओगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जाके दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। तुम्हारा बचना नामुमकिन है। कौन है तुम? मैं कौन हूँ ये बड़ी बात नहीं, वो लड़की सही सलामत घर पहुंचनी चाहिए, वरना तुम सब ऊपर पहुंच जाओगे। चला दूंगा। नहीं नहीं, नहीं ऐसा मत करना। तेरे कुत्तों को वापस भेज। उसे पकड़ ले भावे, उसे कुछ मत करना। क्यों? उसे छोड़ दे। क्या हुआ भवानी? मेरी फटी हुई है। हटो, हटो, चलो हटो, जाओ यहाँ से, जाओ। सॉरी मैडम, जैसा तूने कहा वैसे ही किया। आइंदा कभी ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं बात नहीं करूंगा। गणेश तो आखिर गणेश है, वो गणेश जी अपने तोन समेत एक ही जगह पर बैठ के अपने भक्तों की रक्षा करता है, ठीक वैसे ही इस गणेश ने यहीं से अपना कमाल दिखा दिया। तुम्हें जो मैंने देखा। ये बात है वार्डन। और कौन सी बात है? चाहो तो उसी के मुंह से बोलवाता हूँ। सुनोगे? सुनाओ। स्पीकर फोन पर सारी बात सुन लो। हेलो। हेलो मैडम जी की बेटी है ना? हाँ मैं बोल रही हूँ। मैं AKP वार्डन बनवारी बोल रहा हूँ मैडम। बोलिए। आज कॉलेज में तुम पे हमला करने के लिए 10-15 गुंडे आए थे ना? जी हाँ। इस बीच उनके लीडर को फोन आया था? आया था। वो फोन पे बात करने के बाद सब लोग अपनी अपनी दुम दबाकर भाग गए थे ना? हाँ। लेकिन आपको कैसे मालूम? आप ही ने मुझे बचाया था। मैं बचाऊंगा? मैं जब अपने आप को नहीं बचा सकता था तुमको क्या बचाऊंगा मैडम? वो लोग मुझे मारने क्यों आए थे? वो इसलिए कि कल तुम्हारी माँ ने भवानी सिंह के गाल पे कस के चाटा मारा था, उसी का बदला लेने के लिए उसने वहाँ पे गुंडे भेजे थे। अपना गणेश है ना गणेश, उसी ने एक फोन करके उन गुंडों मवालियों को जुलाब दिया और उन्हें भगा के तुम्हें बचा लिया। गणेश ने? तुम उसे नहीं जानती? वो तुम्हारी माँ का स्टूडेंट है। हाँ जानती हूँ। तो क्यों अनजान बन रही हो? मैं उनसे बात कर सकती हूँ। हाँ बेशक बात कर सकती हो, किसने मना किया? एक मिनट, इसलिए आगे गणेश को दो, जाओ 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 जाओ। अब क्या बोलते हो? कमाल कर दिया, थोड़ा मालिश करो। गणेश, मैडम की बेटी तुमसे बात करना चाहती है। बारे नहीं है, भेजा है। हेलो। गणेश, मुझे बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। जो कुछ भी हुआ मैडम जानती है? नहीं जानती। उन्हें मत बताइएगा, अगर वो ये बात जान गई तो मसला बढ़ जाएगा। ठीक है, नहीं बोलूंगी। मुझे आपसे मिलना है। किस लिए? थैंक्स बोलने। वो तो बोल दिया ना। देखो तो सही, सब कुछ करके मासूम बनके खा रहा है। ए। क्यों थोक दिया भवानी? नमक भी नहीं, मिर्च भी नहीं, तो डाल देते हैं। ले अब खा ले।
ए, ये तो खा रहा है, ये अचार भी डालो। ये ले। ए भवानी, इसे गुस्सा आ रहा है। ये बात है, चलो देखते हैं। हाँ, ये तो सच है, आंखें लाल लाल हो गई है, लगता है अब इसे गुस्सा आ गया। हर हालत में हम तुम्हें डॉक्टर के रूप में देखना चाहते हैं, कातिल के रूप में नहीं। अरे वाह, ये भी खा रहा है, लगता है अब हमें इसे अपने हाथ से दिखानी ही पड़ेगी। कर देते हैं। हमसे चालाकी करता है। लो भवानी, अब भी हमसे होशियारी नहीं करेगा। अरे ओए गणेश, टाका लगाने की नौबत आ गई तुम्हारी। उस अनजान लड़की को बचाने के लिए कल इतना सब कुछ किया तुमने, और अफसोस की बात है कि आज अपने आप को नहीं बचा पाए। मेरी बात सुनो मेरे भाई, तुम यहाँ रहोगे तो वो लोग तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे। अगर अपनी जान प्यारी है तो रातों रात ये शहर छोड़कर भाग जाओ, मैं बस इतना ही कहूंगा। तुम यहाँ रहोगे तो वो लोग तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, जाके देख। और कौन, वार्डन ही होगा। इतनी मार खा के भी ये आके खड़ा है, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। निकालो अपना सामान, जल्दी। कहां गायब हो गए सर? वो रहा देखो। अरे राम 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 राम, इस हॉस्टल का एक एक नजारा तो बिल्कुल हॉरर फिल्म जैसा लग रहा है। कैंटीन में मार खा के तेरा जी नहीं भरा है साला, आज तुझे जिंदा काट देते हैं। ए, सब अपना अपना लेकर जाओ। दिखाई नहीं दे रहा है साला। साला आज तो नहीं बचेगा। ढूंढो उस कुत्ते को, लगता है भाग गया कुत्ता। कल इसे भगाने वाले ये बदमाश लड़के आज इसे देखते ही पीछे हट रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे? मैं उसी दिन कह रही थी ना, सारे मर्द फ्लर्ट नहीं होते। खैर वो छोड़ो, गणेश ने ही मुझे बचाया, उससे मिलकर थैंक्स बोलना चाहती थी, उसने इनकार कर दिया। माँ भी उसके बारे में कह रही थी कि वो एक अलग किस्म का स्टूडेंट है,
मैंने फोन पर उसके साथ शादी सुहागरात बोलकर बहुत खिंचाई की थी। हो सकता है उसकी वजह से उसने मुझे गलत समझ लिया हो। कैसे भी हो उसे रूबरू मिलके एक सॉरी एक थैंक्स बोलना है। कहाँ पे जाके मिलोगी? उसकी कॉलेज होगी? अरे नहीं, वहाँ तो मम्मी होंगी ना। फिर कहाँ जाके मिलोगी? हॉस्टल में। तेरे पीछे गुंडे भेजने वाला वहीं पर है और मुझे बचाने वाला गणेश भी वहीं है। हाँ ठीक है, पर मेंस हॉस्टल जाओगी कैसे? उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। रुको रुको, कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए तुम्हें? हम लोग अनाथ आश्रम के लिए पुराने कपड़े लेने के लिए आए हैं। ये क्या लड़कों के हॉस्टल में लड़कियों की जमघट है? मैडम की बेटी भी साथ में है। उसके लिए यहाँ किससे मिलना होगा? वो देखिए, वो है वार्डन, उन्हीं से मिलना होगा। उन लोगों से नौकरानी बात कर रही है? क्या बात कर रही होगी? ये बताओ, ये वार्डन कैसे आदमी है? हमारे वार्डन बहुत ही अच्छे आदमी है। वो अंदर से भी सोना है और बाहर से भी। उनसे जाके मिलिए, वो कपड़े ही नहीं पैसे भी जमा करके देंगे। वहीं रुक जाओ। लड़कियों को लड़के के हॉस्टल में आना माना है। तुम मैडम के बेटी हो फिर भी ये बात नहीं जानती? भेज में अकल नहीं है? बहुत मुश्किल से इन लड़कों को अपने कंट्रोल और डिसिप्लिन के जरिए तुम लड़कियों से दूर रख के अच्छी तरह पाल रहा हूँ मैं। इस तरह तुम लोग झुंड में चली आओगी और ये लड़के बेकाबू होकर कुछ ऊंची नीची हरकत कर देंगे तो कौन जिम्मेदार होगा? तुम्हारी इस हरकत से मुझे गुस्सा आ रहा है, बाहर निकलो यहाँ से। हेलो, पहले ये रेलवे का सिग्नल नीचे कीजिए। हम यहाँ किसी को लाइन मारने नहीं आए हैं, अनाथ आश्रम के लिए पुराने कपड़े कलेक्ट करने के लिए आए हैं। कपड़े वपड़े कुछ नहीं मिलेगा, बाहर निकलो यहाँ से। वो नौकरानी आपके बारे में बहुत बोल रही थी। उसने क्या कहा होगा मुझे मालूम है। क्या बोला होगा? हॉस्टल के गेहूँ चावल बाहर किराने की दुकान में बेचता हूँ, यही कहा है ना? नहीं नहीं, तो फिर क्या कहा होगा? इस हॉस्टल में एक स्टूडेंट को गुंडा कहकर सबसे पैसे वसूल करता हूँ, यही कहा है ना? नहीं, ये भी नहीं, तो फिर क्या कहा है? हमारे पास तो इतना ही आइटम है, दूसरा कोई नया आइटम भी नहीं है ना? तो फिर और क्या क्या है तुम ही कह दो ना। आपको बहुत अच्छा आदमी बोल रही थी लेकिन तुम तू अच्छा आदमी कहा? हाँ। यानी अपना गड्ढा खुद मैंने खोदा और क्या? नहीं, ये बात अपने तक रखो, ये कह रहा हूँ। अब हम अंदर जा सकते हैं कि नहीं? वो नहीं हो सकता, बाहर जाना पड़ेगा। होगा, जरूर होगा। कैसे होगा? मेरी इजाजत के बिना कैसे होगा? शराब से सब यहाँ से बाहर निकलो वरना शूट कर दूंगा। मैंने पहले से शूट कर लिया है। शूट कर लिया है? तुमने जो कुछ भी कहा विद वीडियो शूट किया है। अरे बदमाश लड़कियों, ये कैसी आदत पाल रखी है? ये इसकी पुरानी आदत है। इसका बाप पुलिस कमिश्नर है, रोज तुम जैसे क्रिमिनल्स को शूट करके उनके हवाले करती है और वो तुम जैसों की धुलाई करते हैं। धुलाई करता है? अब तुमने हमें अंदर नहीं छोड़ा तो कल की पहली धुलाई तुम्हारी होगी। आखिर क्यों, किस लिए? सोचा पढ़ने वाले बच्चे ना बिगड़े, शूट करने के बाद पढ़े तो क्या, मरे तो क्या? चलो मेरे साथ, सबके कपड़े उतारता हूँ। रास्ते पे गणेश को ढूंढ निकालेंगे ना, कपड़े लेने के टाइम पे नाम नोट करेंगे ना, सब जरूर पता चल जाएगा। देख लिया, बाहर वालों को अंदर आना मना है। ये सिर्फ बाहर वालों के लिए नहीं है, मेरे जैसे वार्डन को भी शामिल कर रखा है इसमें। फिर भी तुम्हारे लिए दरवाजा खोलता हूँ। अंदर देखा क्या चल रहा है? लड़कियों के भेष में सारे के सारे डांस कर रहे साले। ये बोर्ड इसीलिए लगा रखा है, पैसे देके सीट लेने वाले निकम्मे जो ठहरे, ये लोग जिंदगी में कभी भी नहीं सुधर सकते। और दूसरे कमरे में चलते, आ जाओ। इसे खोल के देखता हूँ। ए मेरा ये कौन खोल रहा है? अरे नार्को बाहर हो गया, गार्डन उसको भी अंदर बुला, आजा वार्डन लगा ले। अरे 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 अरे, पूरा कमरा धुआं से भरा, गांजे की बू आ रही है। ए तुम लोग कितने लोगों से गांजा मार रहे हो? हम सब के सब, सिर्फ गांजा ही नहीं, पेग मारेंगे, बियर मारेंगे, ब्रांडी मारेंगे, हाथ आया तो तुझे भी मारेंगे। मुझे भी मारोगे? हाँ वे लीजिए। अच्छा, इन लोगों को इस तरह से छोड़ा था ये समझ लो तो 5 पैसे भी नहीं मिलेगा। पुलिस में कंप्लेंट करता हूँ, चलो मेरे साथ। इन नालायकों के बारे में तुम्हारे सामने बड़ा चला कर बात कर रहा था, आज मैं इन लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। कुछ नहीं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तुम लोग आगे जाओ, मैं जाता हूँ। तुम्हारे बोला ना जाओ, बोला ना जाओ ना। उस कमरे के सामने मैंने पुलिस की बात की थी, तो इस कमरे वाले को कैसे पता चल गया? हाँ, हर कमरा तो अलग अलग है ना। आहा, वायरलेस में खबर देके फिरते हैं। हेलो, अंदर क्या हुआ था? अंदर वाले कुछ डाउट पूछ रहे थे, मैं क्लियर करके चला आया। अगर डाउट क्लियर कर रहे थे तो साउंड क्यों आ रहा था? जब कोई डाउट क्लियर करता तो साउंड आता ही है। अब तुम्हें मुझ पर क्यों डाउट आ रहा है? तुम्हें कपड़े दिलाने के चक्कर में मेरे कपड़े उतर जाएंगे। ये कपड़ा गला अपना छोड़ो, भागो यहां से, चलो। हेलो, बाकी के कमरे? बाकी कमरे तुमका खींच के अभी। बाकी के कमरे किस किस कमरे में लड़के किस मूड में बैठा है ये कौन बता सकता है?
अभी किसी भी कमरे में जाना खतरे से खाली नहीं है। अपनी खड़िया चाहते तो मेरे साथ चलो। हेलो। ओहो, ये मोबाइल फोन को डमरू की तरह बजा रही है रे। चलो आ जाओ, तकदीर आजमा लो, लेकिन एक लंगोट तक नहीं मिलेगी जान लो। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वार्डन, वार्डन, वार्डन। क्या है बे? ये लोग कपड़ा लेने के लिए आए ना। हाँ तो पुराने कपड़े किस लिए? पहने हुए कपड़े देते हैं। ए, उतारो। ये अभी उतारते हैं। मेरी बात नहीं मानी ना, नहीं मानी ना? तुम लोगों की वजह से मैं भी वो मनहूस नजारा देखने पर मजबूर हो गया। बाल बाल बच गया। सॉरी सर, हम यहाँ कपड़े लेने नहीं आए थे। तो फिर क्यों आई हो? दरअसल हम गणेश से मिलने आए थे। गणेश से मिलने आई हो? ये पहले बताती तो कब का मिलवा दिया होता। ठीक है, वो छोड़ो, कल जहाँ मैं कहूँगी वहाँ तुम गणेश को लेके आओगे। और अगर नहीं आया तो? हेलो, कल ये सब में सर्कुलेट हो जाएगा। हाथ में डमरू है तो बंदर को नाचना ही पड़ेगा ना। अरे ये क्या है, केले के छिलके? ये किसकी साजिश है? ये क्या गणेश, हाथ में बैग रखे इधर उधर देख रहे हो? गांव जाने के इरादा है? क्यों चारों तरफ हिला रहे हो? एक तरफ हिलाओ ना। खैर छोड़ो, तुम्हें पता है वो अपनी पार्वती मैडम की बेटी है ना, वो तुमसे मिलने के लिए सीधे हॉस्टल में चली आई। मैंने उसे समझाया कि इस तरह से लड़कों के हॉस्टल में लड़कियों का आना अच्छी बात नहीं है, कहीं और मिलवा दूंगा कहकर भेज दिया। क्यों अभी चल रहे हो मिलने के लिए? ये झिझक कैसी? ठीक है, हाँ तो तुम यहीं पर रुको, मैं अंदर जाकर चट्टी पहन, अच्छी पैंट पहन के आता हूँ। तुम कहीं मत जाना, मैं बस गया और आया। चलो चलते हैं। ये गायब कहाँ हो गया? इतने में कहाँ चला गया? अरे ये तो दीवार फांद रहा है। ये स्टूडेंट है या मजनू मियां? नमस्ते भाई। वो गणेश का बच्चा अपने माँ बाप को लेकर यहाँ आया था? जब से मैं यहाँ आया तब से वो नहीं आया भाई। यहाँ के किसी भी वर्ष चाले में नहीं गया है वो, और ना ही किसी अस्पताल में गया है, तो अपने बाप की राज के लिए कहाँ गया होगा? अरे गणेश सुन ले, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माँ। गणेश तू कैसी है माँ? कहीं भी मेरे बेटे को सुकून नहीं मिलता। बाबूजी कहाँ है माँ? ये क्या छोटे बच्चों की तरह बिलख रहे हो? तुम्हारे चाचा ने सारी बातें बताई। आप क्यों रो रहे हैं बाबूजी? और मैं कर भी क्या सकता हूं? साला वो आदमी था या कुत्ता? पहले लोग मारा करते थे, अब काटना शुरू कर दिए। बीच बीच में ट्रेंड बदलते रहते हैं, साले सत्यानाश हो इनका। वो भी नहीं आई, ये भी नहीं आया, क्या करें? अरे गणेश आ गया, आजा आजा आजा। सामान सब खरीद लिया आपने? नहीं यार, अभी जाके लेना है, आजा। क्या वार्डन जी, फोन में बोला था कि सब कुछ ले लिया है। तो अब क्या बिगड़ गया, पांच मिनट में खरीद लेंगे, चला जाए। मुझे छोड़िए, मैं जा रहा हूँ, मैं ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकता। सॉरी, चल अंदर चल। अरे नहीं वार्डन जी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए ना। अरे पांच मिनट में क्या बिगड़ गया? नहीं, मैं मजबूर हूँ, मुझे जाने ही हो। गणेश कहाँ है? गणेश कहाँ है? वो तो यहीं पे था, तुमने देखा नहीं क्या? ए! वो आके चला भी गया और तुम नाचता रहा, लगता है डर का भूत उतर गया है। अब वीडियो को रिलीज करना ही पड़ेगा। अरे मेरी माँ, मैं क्या करूँ बोलो, मैं डांस के मूड में था, इस बीच वो भाग गया। तुम्हारा नाम सुनते हो घबरा जाता है, अब मैं क्या करूँ ये तो बताओ। अगर अगली बार मिस किया ना, बेटा तो गया।
आहा, इसे तो पढ़ने का जुनून है और उससे इसे मिलने का जुनून है। इन दोनों का मिलाप नहीं हो पा रहा है। आज किसी तरह इन दोनों का मिलन करवाना ही पड़ेगा, अन्यथा यह जीवन प्रश्न चिन्ह बन जाएगा। मिलवाता हूँ। ए भाई गणेश, मैडम की बेटी तुमसे मिलना चाहती है यार। किस लिए? तुम्हें पता नहीं है? ऐसा तुम पूछते जैसे तुम कुछ नहीं जानते। एक हसीना एक जवान मर्द से क्यों मिलना चाहती है? तुमसे प्यार करती है इसलिए तुमसे मिलना चाहती है। अरे भाई, एक बार तुम उससे मिलो तो सही, पसंद आई तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलोगे, चले आओ। उसके बाद मैं कुछ फैसला करने वाला हूँ। मैं अभी उसका नंबर मिला के देता हूँ, कहाँ मिलना है ये तुम उसी से पूछ लो। अरे नहीं, मेरा तो पेशा ही बदल गया है। रिंग जा रहा, रिंग जा रहा, बात करो बात करो। हाँ हेलो, मैं गणेश बोल रहा हूँ। गणेश, अरे वाह, मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने खुद मुझे फोन किया। बात सुनो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं तो अभी आउट ऑफ टाउन हूँ, मेरी सहेली की शादी में आई हूँ। प्लीज प्लीज, हम लोग कल मिल सकते हैं ना? मैं खुद आके आपसे हॉस्टल में मिलूंगी। नहीं, यहाँ पे भवानी और उसके गुंडे होंगे। कल सुबह मैं 7 बजे की बस में आ रही हूँ। बस स्टैंड पे आके मैं ही मिलूंगा। ए भाई, तुमने उसे देखा नहीं है इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ओके ओके ओके। मैंने उसी दिन कहा था ना, तू किसी न किसी की दीवानी बन के घूमेगी। मुझे लगता है वो यही है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उससे मिलने का मकसद सिर्फ एक सॉरी और थैंक्स बोलना, बस इतना ही। मैंने इसे झूठ बोला कि वो इसे प्यार करती है और इसने उसे सच मान लिया। अगर सच्चाई खुल गई तो मेरी ऊपर की आमदनी बंद। क्या कर ऑटो, क्या भाई साहब, जरा फोन देना। फोन ये लीजिए। हेलो। ए भाई गणेश, मैंने कहा था ना मैं आऊंगा, उससे पहले बाइक और मेरा फोन लेकर चले गए। नहीं वरुण जी, आप सो रहे थे इसलिए। तुमने उस लड़की को नहीं देखा है और उसने तुमको नहीं देखा है, ऐसे में तुम कैसे उसे पहचानोगे, मिलोगे और बात करोगे? वो सब मैं देख लूंगा वरुण। उससे प्यार का इजहार करने जा रहे हो ना? नहीं वरुण, उस लड़की की वजह से मुझे कोई परेशानी ना हो इसलिए उससे मिलके ये सब बंद करने के लिए बोलने जा रहा हूँ। लेकिन वो तुमसे प्यार। अरे नहीं नहीं, रुक जा रुक जा। ए आज तक गणेश से मेरी मुलाकात नाकाम होती रही, अभी मिलने वाली हूँ तो पता नहीं क्यों बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। हेलो, मैं बोल रही हूँ, आप आ गए? हाँ, आप कहाँ हैं? मैं बस स्टैंड में उतरने के बाद यहीं पर चल रही हूँ। किस कलर का ड्रेस पहनी है? किस लिए? ताकि मैं आपको पहचान सकूँ, बोलिए। ओके, येलो कलर चूड़ीदार। ओके, मिलता हूँ। अरे मंगल वाली बस आ गई। कैसे हो? अरे ठीक है। ये बताओ, आखिर तुमने हम सबको बस अड्डे पर क्यों बुलाया, कैसे आना हुआ? अबे देना, राजा भैया के जमानत के सिलसिले में आया हूँ। अच्छा, गंगू भैया नहीं आए क्या? वो एक जरूरी काम से गए हैं, अगली बस से आ जाएंगे। गणेश, ऐसे क्या चौंक गए? अपने गांव वाले को देख के चौंक गए लगता है। मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं वही तुम्हारे घर के पीछे के लखन का बेटा बंसी। ये बता, सुना है कि तुम डॉक्टरी पढ़ रहे हो, गांव में पढ़ रहे हो कि यहाँ पढ़ रहे हो? माँ बाप से मिलते हो ना? क्या वो आने वाले हैं इसलिए यहाँ इंतजार कर रहे हो? जो आप समझ रहे मैं वो नहीं। ये भला ऐसे क्यों बोल रहा है? ए बस कितने बजे निकलने वाली है? अरे मेरी कमीज। अरे क्यों बीच में दौड़ता है? ए मंगल, पंसी, कैसा है तू? अच्छा, तेरे बीवी बच्चे कैसे हैं? तुम मुझसे मिले 5-6 साल हो गए, अब मिले तो बीवी बच्चे के बारे में पूछ रहे हो, वो भी प्यार से। 2 मिनट पहले अपने गांव के एक और आदमी से मिला, वो मुझे पहचानने के बाद भी अनजान बनकर चला गया। दिल में बहुत तकलीफ हो रही है। तुझे पहचान कर भी अनजान बनने वाला वो गांव वाला कौन है? अरे भाई, अपना गणेश। कौन सा गणेश? अपने मास्टर जी का बेटा गणेश। तूने गणेश को देखा? कब देखा और कहाँ देखा? 2 मिनट पहले बस स्टैंड में देखा था। हम जिस गणेश को ढूंढ रहे हैं वो यहीं पर है, उसे ढूंढ कर उसके टुकड़े टुकड़े कर डालो, निकालो हथियार। तुम लोग वहां जाके देखो और तुम लोग वहां जाओ, ढूंढो सब जगह ढूंढो। आ जाओ, वहां पे कोने देखो, आ जाओ जल्दी आ जाओ।
देखो। कौन? गणेश। अरे गणेश नहीं, वहाँ उसे देखो। साली बच गई, उसे मैं देख लेता हूँ, तुम लोग वहाँ जाके देखो, जाओ। हेलो। आई एम वेटिंग। सच बोलिए, आप किस रंग का ड्रेस पहनी है? मैं येलो कलर चूड़ीदार ही पहनी हूँ। आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं? बात यह है, आज बहुत सी लड़कियाँ येलो ड्रेस पहनी है, इसलिए पूछा। कलर का मामला तो गड़बड़ है। खैर वो छोड़िए, आपके आसपास कोई लैंडमार्क हो तो बताइए। प्लेटफॉर्म नंबर 4, उस पोस्ट के नीचे किसी फिल्म का पोस्टर भी लगा है, मैं उसी के पास खड़ी हूँ। हाँ मैंने आपको देख लिया है, आपके पीछे ही खड़ा हूँ। क्या हुआ? क्या बात है रीमा? कायर नहीं हूं, क्षत्रिय हूं। गणेश बस स्टैंड में ही है, मैंने कहा था ना उस लड़की के साथ ही। तुम्हें
तुझे देखते ही तेरे टुकड़े टुकड़े करने के जुनून में ही मैं आया था, लेकिन अब तेरी जान मेरे समान है। जिस लड़के की वजह से तू हमारा दुश्मन बन गया है उसी से प्यार करता है तो आज से ठीक तीन दिन में उसे खत्म कर दूंगा और तुझे भी मेरी तरह तड़पा के रुला रुला के मार दूंगा। याद रखना, नहीं तो मैं इस मिट्टी के पैदाइश नहीं हो। मैं भी जिगर वाला हूँ। अरे तुम इंसान हो या जल्लाद? कितनों को अस्पताल पहुंचा दिया है तुमने। और मैंने तो तुमसे झूठ बोला था कि वो लड़की तुमसे प्यार करती है। वो लड़की तुम्हें देखते ही तुम्हारे सीने से लग गई। पहले से तुम उसे जानते हो। ये बताओ तुम कौन हो, वो लोग कौन हैं? आखिर यहाँ हो क्या रहा है? सुना है दिल, छोड़ना ऐसा बढ़िया जवान। पाया मुझ
तुम्हें इतना तो एक देती जा, मेरे प्यार का पहला तोहफा लेती जा। मन मुझे जानते हैं, मुझे बड़ा मानते हैं, शरीफों में हूँ शामिल, हूँ मैं प्यार के काबिल। लड़की से मिलता नहीं, मिल तो बोलता नहीं, कुछ बोलो तो यही होश ले गई। प्यारी नाच ले आके प्यारी, प्यारी नाच ले आके प्यारी, प्यारी कोई गम ना रहे, कर ले दिल भी कहे। गणेश बाबू किसी छोरी के साथ म्युनिसिपल बस अड्डे, गणेश जी के मंदिर, ऐसी सभी जगह घूम रहे थे। मैंने भी बाजार जाते वक्त देखा था उनको। मैंने सोचा आपको भी बता के जाऊं, तो मैं चलूं। ठीक 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 ठीक, ये भी कोई घर है? चारों तरफ धुआं ही धुआं, जैसे कोई ईंट का भट्टा चल रहा है। ये भी ना। यहाँ कोई फिल्म दिखा रहा हूँ, मुझे ही देखते रहते हो? जाके आपका काम करो ना। ये तो रखा था। माँ, यहाँ जो मैंने शर्ट रखी थी वो कहाँ है? इस्त्री कर रही हूँ। इस्त्री कर रही हो क्या माँ? ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये इस्त्री करने के कपड़े नहीं है, आइंदा इसे कभी पहन नहीं पाऊंगा। वेस्ट कर दिया तुमने। ये लो पकड़ो, मैं यही पहनता हूँ। बेटा हमेशा वही शर्ट पहनता है, मेरी बात तो सुन, कभी नहीं सुनता। यहाँ क्यों बैठे हैं? नाश्ता करने। अरे वाह, जैसे हम नहीं जानते। तुम्हें जरा भी अकल नहीं है माँ? क्यों इस तरह चिल्लाता है? क्यों नहीं चिल्लाऊं? ये कोई इडली है, इसी पर फेंको तो वो मर जाएगा। देखो पत्थर जैसी है। नहीं बेटा, मुलायम ही है। सुनिए आप कहिए ना। हाँ बेटे। ए जोरू के गुलाम, तुम्हारा नसीब खोटा है। तुम्हारी जोरू है इसलिए इनके हर बात पर हामी भर के जो मिलता है वो खाना पड़ता है। मैंने आखिर पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो तुम दोनों के औलाद बन के पैदा हुआ? अब तुम लोग हंस क्यों रहे हो? हंसे क्यों नहीं, कल से आज तक गलती पे गलती करते जा रहे हो ताकि हमारी डांट खा सको। तुम्हारी नौटंकी देख के हमें हंसी आ गई। आपको पता चल गया? जब से तू पैदा हुआ तब से तुझे नहीं डांटा, तो तेरे जन्मदिन पे भला कैसे डांटेंगे? क्यों बेटे, एक एक बच्चे अपने जन्मदिन पर गिफ्ट के तौर पे घड़ी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, मोटर बाइक चाहिए कहते हैं, और तुम हो के जो नहीं मिलता है उसी की तो ख्वाहिश करूंगा ना। भाभे भाभे, आ गया आ गया, अनाज का दुश्मन आ गया। पता है भाभे, आपकी चटनी के खुशबू ने गले के कोने से मुझे यहाँ तक खींच लाया। इडली है ना, डालिए डालिए। तो क्या दे दो दे दो। हाँ हाँ, मजा आ गया। उसका जो है क्यों नहीं खींचेगी? क्यों माँ, ये आदमी कभी खाना देखा ही नहीं है। भाभी पुलना की चटनी नहीं है? सांभर दो। दीजिए माँ, ये भी दे दो। वो भी दीजिए। मैं तुम्हारी इतनी बेइज्जती कर रहा हूँ तुम्हें सुनाई नहीं देता? ले लीजिए। बहरे हो क्या? तुम्हें किस गधे ने इंस्पेक्टर की नौकरी दी? भाई और भाभी के सामने तुम्हारी दाल नहीं गली, इसलिए मुझसे डांट खाने का प्लान बना रहे हो। देखो गणेश, वो तुम्हें भूले भटके डांट सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा। आपने भी ये तमन्ना पूरी नहीं की। भाभी आपने इसे बता दिया ना? बाप रे, मैंने नहीं बताया, तुम ही चाहो तो बता दो। मैं भैया कम से कम आप बोल सकते थे। मैं बाद में इसके मुंह से मैं सुनूं? बात क्या है? ऐसी कोई खास बात नहीं है, मैं ही बता देता हूँ। मैंने कहा था ना आज मैं तुम्हारे साथ मंदिर चलूंगा, लेकिन नहीं आ पाऊंगा। हालात ही कुछ ऐसा। कुछ समझा नहीं मैं। मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो गया, फिर से यहाँ आने के लिए काफी टाइम लगेगा, यही बात थी। आप पहले नाश्ता तो कर लीजिए, बाद में निपटता हूँ। भाभी लगेज का लगेज वो तो तैयार है देवर जी।
लगेज, इसका मतलब सब प्री प्लान है। मां मत दो, मां अरे अरे जाने मत दो, ए छोड़ो चाचा। अरे क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। कहां भाग रहे हो अभी? अब जाओ, अपना ख्याल रखना, फंसोगे ना। टाटा करने वाला ख्याल रखना, रख दूंगा। देखो ना, मैंने देखा वो घर के अंदर ही है। अबे ओए गंदी नाली की फुकट की पैदाइश, सुवर के बच्चे, भिखारी की औलाद, चल आना। अबे ओए उधार की पैदाइश, उधार लेना जानता है, लौटाना नहीं जानता, लौटाना नहीं जानता। मेरे आदमी को कुछ मत करना। क्यों बे, उधार के पैसे लेने के लिए आए तो अपनी बीवी के लहंगे में छुप जाता है? सोचा ये शिवानी तुझे पकड़ नहीं सकती, और देखा तो साला कैसा फंस गया मेरे हाथों में। अबे अभी आधे घंटे में असल और सूद की रकम नहीं चुकाई तो तेरे हाथ पैर अलग अलग करके तेरी बीवी के हाथों में थमा दूंगी। सुनो बे, तुमसे कर्जा लेने वाला शहर छोड़कर भाग गया, गारंटी देने के पाप के बदले में असल से भी ज्यादा ब्याज भर चुका। थोड़ा शराफत से बात करो बहन। शराफत चाहिए तुझे कमीने, शराफत देती हूँ, ले ले। तुझे तुमको यही शराफत देती है ये शिवानी। क्यों बे घनचक्कर, मेरे भाई लोग यहाँ नहीं है, मैं यहाँ अकेली लड़की हूँ, चकमा देगा सोच रहा है? मैं औरत के लिए औरत हूँ, मर्दों के लिए मर्द हूँ बे। ए, तुम बात बोल रही हो? हाँ, कौन है ये नमूना? मेरी बहन की बेटी है, शहर से आई है। मेहमान बन के आई हो तो मुफ्त की रोटियां तोड़ के आसपास का नजारा देख के चुपचाप खड़े रहना चाहिए, वरना हुलिया बिगाड़ के रख दूंगी। ए, अभी आधे घंटे में पूरी रकम मेरे हाथ में आनी चाहिए, समझी? सुनो बहन, आधे घंटे में हम लोग 3 लाख रुपए कैसे दे पाएंगे? एक हफ्ते का टाइम दे दो, अपना सर गिरवी रख के भी तुम्हारा कर्जा। और लीखों से भरे इस सर को गिरवी रखोगी? छी 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 छी। बस एक हफ्ते का टाइम दे दो, किसी भी तरह ये कर्ज उतार दे। ए, क्या एक हफ्ते की रट लगा रही है? ठीक है, अब पैसे लौटाने की तरकीब मैं बताती हूँ, तू सुन ले। एक बच्ची की माँ है, फिर भी कुछ भी ढीला हुए बिना तू आज भी कड़क माल है कुंवारी की तरह। ए, जब भी तू घर से बाहर निकलकर इधर उधर घूमती रहती है तो यहाँ आसपास के लुच्चे लफंगे तुझे देखकर लार तो टपकते होंगे ना। ऐसे निकम्मे के साथ बिस्तर बांटने के बजाय आने जाने वालों के साथ बिस्तर बांटेगी तो जल्दी से मेरा उधार चुका सकेगी। सोच क्या रही है, झट से फैसला कर। ए, पुलिस में कंप्लेन देकर नाजायज ब्याज लेने के केस में तुझे अंदर करवा दूंगी। क्यूरी, लॉ पढ़ने वाली मेरे को तू पुलिस की धमकी दे रही है? अपनी मासी के बदले तू धंधे में लग जा कुतिया। सोली, ए देखा देखा मंगल, उसे काट के कुत्तों को खिला दी थी। क्यूरी, 6 फुट वाले मर्द मेरी नजरों से नजरें मिलाते हुए डरते हैं और मेरे सामने दुम दबा के भागते हैं, और तू 2 कौड़ी की लौंडिया, तेरी ये हिम्मत की मेरे गाल पे चाटा मारे। ए, मुझे छूने की हिम्मत करने वाली तेरे बदन को पूरी दुनिया के सामने मैं नंगा करने वाली हूँ। अरे 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 देखा मंगल, अपनी धोती का दान करने वाला दानवीर करण। अबे आए, इस शिवानी के रूप में कोई भी आए तो उसका यही अंजाम होगा, सबको पता चले। गणेश, Uh-huh.
भी कोई औरत है, औरत है बोल, तू बातों से नहीं मानेगी, लातों से ही मानेगी। औरत का जन्म लेकर भी खुद को औरत ना मानकर मर्दों की तरह जीने वाली तुझे ऐसा लग रहा है? तो सोच उस बिचारी पर क्या बीती होगी। बात सुन, उसे लौटा दे। कम से कम अब तो औरत बनने की कोशिश कर। मेरी बात सुन, चल यहाँ से। क्या है ये सब? चल आजा, देखो वो ये भी कोई लड़की है। तुम्हारा जन्मदिन है। बूटी के तेरी ये मजाल के हाथ रख के अनजान बनकर चलता जाएगा। जिस पल से तूने मुझे छू लिया उसी पल से तू ही है मेरा मर्द। इस शुक्रवार को मेरी चुनरी पर हाथ लगाया, अगले शुक्रवार को मेरे बदन पर हाथ लगवाऊंगी, मेरा आदमी बना। कौन है ये दोनों? तेरे माँ बाप हैं? तो ससुर और सासू माँ? आशीर्वाद देना ससुर। ये सब अनजाने में हो गया बेटी। माँ क्यों इसके मुंह लगती हो? ए घोंचू, तू शराफत की भाषा नहीं जानता, जबान चलाता है। शादी तो होने दो, मैं सब सिखा दूंगी। ससुर जी, सासू माँ, अब मैं अच्छे मूड में हूँ, अपने बेटे को लेके खेल सक लो। या फिर ऐसे ही घूरता रहेगा तो अतड़िया बाहर निकाल दूंगी। तुझे मार के मैं सफेद लिबास पहनूंगी। 10 गिनने से पहले दफा हो जाओ। अरे मांगल दीदी, गिनना। 1, 2, 3 गणेश, चल यहाँ से, चल। 5, 6 बेटा पहले तुम चलो यहाँ से। साला वो चला गया दीदी। साला नहीं बे, बहनोई। बहनोई जी का फुल बायोरेटा मुझे शाम तक मिल जाएगा दीदी। गंगू भैया फंस गया। दीदी ने आपको खबर करने से मना किया। क्या कहेगा? कैसे कहेंगे साले सुअर की औलाद। गंगू आ गया तू, तेरी बहना पे भूत सवार हो गया है, वहां बैठी है जाके देख। ए छोटे, तेरा भाई अभी तक नहीं मरा, दोना मुझे फोन क्यों नहीं किया? किसे तीसरे से मुझे पता चला? कहाँ उसका घर? बड़ा चौरा चौथी गली। उड़ते फिरने वाली मेरी बहन को इस तरह उदास करने वाले उस कमीने के टुकड़े टुकड़े करके फेंक नहीं दिया तो मेरा नाम गंगू काली नहीं। चल मेरे साथ। ठीक है भैया। ए अक्कल के अंधे रुकना, तू सीधा जाके उसे काट डालेगा, वो भी मरेगा, उसके बाद मेरा क्या होगा? तू ऐसा ही कोई घोटाला कर डालेगा ये जानकर ही मैंने तुम दोनों को खबर नहीं की। अपने परदादा के जमाने से ही यहाँ हम जो कहते हैं वो कानून है, जो करते हैं वो इंसाफ। उस वंश में जन्मी शिवानी की किसी ने चुनरी उतार दी, पूरा शहर यही चर्चा कर रहा है। मुझ पर हाथ लगाने वाले से अगर मैंने शादी की तो पूरे गांव वाले कहेंगे हाथ रखने वाले को ही हथेली में कर लिया शिवानी ने। ए गंगू भैया ऐसे क्या घूर रहा है? वो कोई ऐसा वैसा घोंचू नहीं है, लोहे का जिगर वाला है वो। अब क्या करने वाली है तू? अरे उससे शादी करने वाली हूँ, अगले शुक्रवार को मेरी शादी है, इतवार को तेरे घर में दावत खाने आ जाऊंगी। भाभी को बोलो कि 2 तगड़े देसी मुर्गे को पकड़ के रखो, अब दफा हो जाओ। भैया क्या बात है छोटी, सुनो तो सही। हाँ, बोल। अपनी इकलौती बहन की शादी जी भर के देखने को तेरा भी मन करता ही होगा, तू यहाँ रहेगा तो कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए तुझे जाने के लिए कह रही हूँ। पगली कहेगी, जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा। दावत के लिए आ जाना। थैंक्स भैया, वहाँ पहुँच के फोन करना। जोड़ी, ए मंगल। हाँ दीदी। जिस घर में मैं राज करने जा रही हूँ उसे एक बार देख के आते हैं, चल मेरे साथ। यही है दीदी, यही है तुम्हारा ससुराल। अरे ये क्या, शादी के घर में जो रौनक चाहिए उसके बिना शमशान हो पड़ा है, इन लोगों ने आखिर समझ क्या रखा है? जा जाके मेरी सासू ससुर या मेरा मर्द हो तो उन्हें बुला के लाना, चल जा। अरे बुला लाना।
क्या रे मंगल, उस दिन की मार भूला नहीं? मैं खुद चली जाती, शादी होके दाया पाव रखे जिस घर में जाना है वहाँ पहले नहीं जाना चाहिए। फटाफट जाके उन्हें जल्दी बुला के ला। अब तू नहीं गया तो तेरी दूसरी टांग को भी मैं काट डालूंगी, जाना। अरे कहाँ ना जा। वाह वाह क्या चाल है दीदी। अरे जाना। दीदी मार दिया दीदी। मार खा के मर जाएगी तू। इस मर्दानी की वजह से ही पचासों को मार गिराने वाली शिवानी तुझ पर फिदा हो गई है। आओ ससुर जी सासुमा, एक बार मिलने चली आई तो देखा तुम्हारा बेटा क्या बोल रहा है। क्यों दूल्हे राजा, दो दिन में शादी रखी है तो तुम लोग बिना तैयारी के क्यों रहते हो? मैं अनहोनी के बारे में कभी नहीं सोचता। शादी किए बिना मैं भी नहीं छोड़ूंगी। ए जाना। ए जा रही। ए जा रही। अरे बोल के बिना शादी के तूने मुझे जोरू बना लिया मेरे राजा। चलबट। मर्द की बात माननी चाहिए। मानती हूँ। याद रखना कल गुरुवार है, परसों शुक्रवार, भूलना नहीं। अच्छा मुहूर्त वाला दिन है। गणेश ये झमेला क्या? चल, तो अंदर चलना। सुनिए आप भी चलिए। क्यों इस तरह मुंह फेर के अंदर जा रहे हो? ये घमंडी लड़की घर कैसे चलाएगी सोच रहे हो ना? मैं भी झाड़ू पोछा साफ सफाई सब करूंगी, बहू बन के तुम्हारे घर की शोभा बढ़ाऊंगी। ए चलना मंगल। दुख रहा है दीदी। रास्ते में पान परा खरीद के दूंगी, चल। बहुत दुख रहा है दीदी। ठीक है क्वार्टर खरीद के दूंगी, चलना। क्वार्टर खरीद के दूंगी। दारू का नाम सुनते ही कुत्ता बन जाता है साला। गणेश सर एक मिनट, जो हुआ उसके बारे में सुना? उस शिवानी के दोनों बड़े भाई 2 साल पहले किसी मर्डर केस में फंस गए थे, यहाँ से मजबूरन फरार होना पड़ा और वो कहीं बाहर जाके सेटल हो गए। यहाँ पर ब्यास का धंधा वगैरह वो लड़की कर रही है। शिवानी के मामले में चौकन्ना रहना। एज द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज कोई भी मदद चाहिए मुझसे मिलना। ओके जी, थैंक यू सर। अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। जी सर, टेक केयर। ठीक है, बाय। चलो बहनोई जी। ओ बहनोई जी, अबे रुक जाना साले। बहनोई जी मैं हूँ मंगल। ए, क्या है? गली तो मार खाया था तू? उसके लिए क्वार्टर तो मिला। मैंने तुम्हें कितनी बार बुलाया पर तुमने सुना ही नहीं, इसीलिए साला बोला। दीदी से मत कहना, जबान काट डालेगी। वो तो तुम पर मार मिट्टी है बहन। मैं सवेरे आ गया तब स्कूल नहीं खुला, इसीलिए बाहर घूम के ठंडा उंडा पी के अभी आया हूँ। ये पढ़ाई विढ़ाई किस लिए? बस तुम्हें एक बार हाँ कह दो, बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर को टपका के उसकी जगह पर तुम्हें बिठा दूंगा। ए, चल जा। दीदी ने तुम्हें ये दिखाने को कहा, देखो तुम्हारी तना तन। अरे ये क्या, निमंत्रण पत्र दिखाने जो गया वो क्यों नहीं आया सोचा तो? यहाँ जंगल का शेर उमड़ी को अपनी ताकत दिखा रहा है, तू अपनी पूरी ताकत मुझे दिखाना सुहाग रात को। क्यों मेरे राजा, एक बात बताओ, किसी भी लड़की से शादी करो तो वो तुम्हें बच्चे ही तो पैदा करके देगी। वो मुझसे कर, मैं पैदा करके दूंगी ना, कहो तो एक दर्जन बच्चे। जो लड़की कहलाने लायक ही नहीं है उनके पीछे लड़के मारे मारे फिरते हैं, लेकिन देसी दारू से भी ज्यादा किक दिलाने की दम रखने वाली मेरी तुझे जरा भी कदर क्यों नहीं है? बोल ना बलमा, तेरी शादी मेरे साथ कल होकर ही रहेगी, आकर मेरी मांग भरोगे? नहीं तो भरवाऊंगी। ए, औरत प्यार जताएगी तो उससे मर्द दब जाता है, ऐसा ना करके मर्दों को दबाने की कोशिश करेगी तो कोई नजदीक नहीं फटकेगा। लड़की सर झुका के मांग भरवाती है लेकिन अपने सुहाग का सर ऊंचा करवाती है। तुझ जैसी जिद्दी घमंडी के लिए शादी की क्या जरूरत है? औरत में ममता होनी चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। पहले औरत बन उसके बाद मर्द ढूंढ। Thank you.
कर्जे के बदले घर बेच के वो शहर छोड़ के हमेशा के लिए चला गया। अच्छा अब उसका क्या काम है?
अरे उसी की वजह से तो मुझे दूल्हा मिल गया। सोचा शादी के बाद उसे भी दावत खिला दूंगी। दावत उसके नसीब में नहीं है दीदी। अरे ये क्या, लगता है बारिश गिरने वाली है। ये बारिश नहीं है दीदी, तुम्हारी शादी में आसमान से देवी देवता फूल वर्षा का आशीर्वाद देने वाले हैं दीदी। ए, टाइम क्या हुआ? 10:10। अभी तक तो क्यों नहीं आया? मन करता है किसी ना किसी का खून कर डालूं। मुहूर्त के निकलने में अब सिर्फ 20 मिनट ही बाकी हैं। फोन करके उसे लाइन पे बुलाना। ठीक है दीदी। ससुर जी, 9 और 10:30 के बीच के मुहूर्त के लिए सास और ससुर अच्छे बच्चों की तरह 7 बजे ही आ गए। जो मंगलसूत्र पहनाने वाला है उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास क्यों नहीं है? हाँ? एक बहू की अपने ससुर जी से पूछने वाली बात नहीं है ये, फिर भी मैं डाउट क्लियर करना चाहती हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ। गलत मत समझना हाँ, अगर तुम अपने बेटे की उम्र के होते तब मुझ जैसी चिकनी आइटम को देखोगे तो तुम्हारा उस पर दिल आएगा या नहीं, बोलो। हेलो दीदी, बहनों जी लाइन में आ गए। देख इधर, ओए बलमा। ए, अकल नहीं है तुझे? अरे तुझे ही अकल नहीं है गोंचो। शादी करके फर्स्ट नाइट में मेरी बॉडी की रिसर्च करने के बजाय वहाँ मरे हुए की बॉडी को रिसर्च कर रहा है। ए गंजकर, फॉरेन आकर मंगलसूत्र पहनाओगे तो तेरा घर शादी का घर होगा, वरना मातम वाला घर होगा। क्या बकरी है? तेरे माँ और बाप मुर्दे बन जाएंगे बोल रही हूँ। उसके बाद तुम तीनों की बॉडियों पर मैं रिसर्च करूंगी। उन दोनों की जान इस वक्त स्कॉर्पियो के अंदर है, उन्हें ऊपर मत भेजना। मैं तुझे 10 मिनट में यहाँ पर आ जा, आके मंगलसूत्र पहना, उसके बाद तू मुझे जो चाहिए जैसा चाहिए कर, कोई बात नहीं। आ गया मेरा बम्पर शेर। कैसे नहीं आएगा? बहनोई जी आ गए, बहनोई जी। मंगलसूत्र पहना मेरे राजा, पहना। मुहूर्त टलने में अब 10 मिनट ही बाकी है, जल्दी से पहना। पहले तू औरत बन, उसके बाद इसका सपना देख। ए, बड़े बड़ों को मैंने ठीक किया है। अबे आए, इसके हाथ पैर तोड़ के मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाने को लगाओ। Ah!
चलिए बाबूजी। गणेश पिता। रुक जाओ। मंगलसूत्र पहनाओ मेरे गले में, मंगलसूत्र पहनाओ। ससुमा इसे कहो मेरे गले में मंगलसूत्र पहना है। इसे जाके किसी और को दिखा, मुझे मत दिखा। तब भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, पहले औरत बन उसके बाद इन सब की चाहत रख। पहना, अरे पहना मंगलसूत्र पहना। अरे मैं देखने में औरत हूँ, काम से आदमी हूँ। तब तो तुझे मारने में कोई गलती। चलो माँ। जब तू मेरा नहीं हुआ तो किसी और का भी नहीं होगा। दुनिया ही उजड़ गई भगवान। पानी भैया, पानी दे। पानी ले। अरे गंगू चले को पानी नहीं देना चाहिए। बुढ़िया चुप रहे, बहुत प्यास लगी है, पानी दो भैया पानी। बड़े भैया के आने तक मैं नहीं मरने वाली, पानी दो। बड़े भैया को बुलाओ। hey, फोन करना मंगल। हटो 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 हटो। काका काका काकी, काका को क्या हो गया? मां जाके आए, सीने में दर्द हो रहा है, कहे लगता है सभी को छोड़ देंगे। काका ने मेरे लिए कितना कुछ किया, लेकिन मैंने इनके लिए कुछ भी नहीं किया। काका हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग रोइए नहीं, रोइए नहीं। भैया डॉक्टर को फोन किया ना? फोन करके आधा घंटा हो गया भाई, लेकिन अभी तक नहीं आया। फिर से लगा के दो। डॉक्टर मजूमदार ही है? अगर ये दोबारा बोलना चाहते हो तो अगले 5 मिनट में यहाँ दिखाई दो। सीने में ज्यादा कफ जम गया है, इसीलिए इन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, आधे घंटे के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। जी अच्छा, तो मैं चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ कर देना। अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं, आप इन्हें बेहद चाहते हैं इसीलिए तो ऐसा कहा, मुझे इजाजत दीजिए। अरे काका को होश आ गया, थोड़ा पीछे हटो, पीछे हटो, तभी तो हवा आएगी। मैंने कहा था ना काकी, काका को कुछ नहीं होगा। काका काका, मैं कौन हूँ पहचान रहे हैं ना? क्या चाहिए काका? हाँ समझ गया समझ गया, मैं ठीक कर देता हूँ। भैया जरा हाथ बटाओ, आराम से आराम से। काका अब ठीक है ना? काका मैं जो कह रहा हूँ सुनाई दे रहा है ना?
अब कहीं जाके मेरे मन को सुकून मिला है। पता है क्यों? फ्रीडम फाइटर है तू? मैं चुपचाप अपना ब्याज का धंधा चलाता आ रहा हूँ और तू है कि पुलिस वालों को गुमनाम खत लिख के मेरी शिकायत कर रहा है। आखिर मेरी शिकायत कौन कर रहा है? पता लगाने पर इंस्पेक्टर ने बताया कि तेरी करतूत है। और जब तुझे टपकाने के लिए मैं यहाँ चलकर आया तो तू अपने आप ही मरकर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए तुझे बचा के मार डाला। क्यों काकी, सही किया ना? बोल, सही किया ना? राजा भैया, भैया क्यों रे? इस बुड्ढे की मौत पर तू क्यों माता मना रहा है? शिवानी बहन को। शिवानी को? बहन को। भैया, वो लड़का घर पे नहीं है, लगता है बाहर गया है। बता तेरा बेटा कहाँ है? बेटा, आज मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ रहा हूँ उसकी एक ही वजह है, मेरी बहन। क्योंकि जब वो यहाँ बहू बनकर आएगी तो तुम्हें उसकी आरती उतारनी है, और अगर उसे कुछ हो गया तो तुम नहीं बचोगे। मेरे छोटे भाई ने जब बहन की हालत बताई तो मेरा मन कितना तड़पा, कितना रोया। ठीक उसी तरह तुम्हारा बेटा भी तड़पेगा, रोएगा, इसीलिए छोड़ रहा हूं। कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। मेरी बात सुनो भैया, जो डॉक्टर बनना चाहता है उसे अनाथ बनाकर बीच सड़क पे लाके खड़ा करो, सिवाय मेरे और कोई भी उसकी बीवी की जगह ना ले। कोई भी लड़की उसकी बीवी ना बने भैया। शिवाजी, आंखें खोलो। सुन छोटे, तू इसके क्रियाक्रम का इंतजाम कर, मैं उस कुत्ते को मार के आता हूँ। भैया भैया, आपको अरेस्ट करने पुलिस आई है। मंगल, तू इसे लेके जा। इसे लेके जा। आ भैया। जा। भैया जाऊंगा। आ भैया। रहेगा तो ही मुझे जमानत पे छुड़ा पाएगा। हाँ भैया। मेरी बात समझ और निकल। आ भैया। जाओ। हाय, हटाओ, हटाओ। आजा समधी, आजा। मेरी गिरफ्तारी की बारात लाया है। अच्छा, तेरा तो तबादला हो गया था ना, लौट के कब आया? फटकड़ी बना के ले जाओ या तो खुद चलेगा। मुझे अंदर करने की जल्दी हो रही है ताकि तेरा भतीजा महफूज रहे, इसीलिए ना। ज्यादा जुबान मत चला। खड़गांव के फ्रीडम फाइटर ओम प्रकाश जी का कत्ल करके आया है तू। लोग उत्तेजित होकर सीएम को पिटीशन दी है और मैं तेरी गिरफ्तारी का वारंट लेकर आया हूँ। अब तू बाहर नहीं निकल पाएगा। ऐ सुन, भले ही मैं जेल में रहूं पर तेरा भतीजा डॉक्टर नहीं बनेगा, मुर्दा ही बनेगा। ये क्या धमकी दे रहा है? छोटे सुन, हमारे माँ बाप की समाधि के बाद शिवानी का दाह संस्कार करना, याद रखना, उसकी चिता की आग में चलो। अच्छा, तू है लाल, कौन कौन तू? जाना
चल। कहाँ है वो? तू बहुत चाहता है ना वो डॉक्टर बने, बोल ना कहाँ है वो? वो कहाँ गए मुझे पता नहीं, कॉलेज भी नहीं आ रहा है। किसे बना रहा है तो? भैया सर्टिफिकेट रहेगा तभी तो पढ़ पाएगा ना। सर्टिफिकेट निकाल, अबे निकाल ना। गणेश सर्टिफिकेट निकालो। जा निकाल निकाल। ये लीजिए सर। पढ़ना। इंग्लिश, इंग्लिश में है। यही सर्टिफिकेट होगा, यही सर्टिफिकेट है ना? हाँ हाँ। यही क्या करता हूँ? ऐसा मत कीजिए, उसे मत फाड़िए, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो बोल, वो डॉक्टर बन सकता है? बनेगा? नहीं नहीं बनेगा। अब लगता है शिवानी के दोनों भाई गणेश को ठीक से पढ़ने नहीं देंगे, इसलिए गणेश को मैंने दूसरे एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का इंतजार दिया है। ऐसे कब तक चलेगा सर? उनके डर से भागने लगूंगा तो भागते ही रहना पड़ेगा। मैं जहां भी जाऊं वो लोग नहीं छोड़ेंगे। गणेश, ये डर तो सिर्फ वो फरार गुंडा गंगू कालिया और उसके गैंग को गिरफ्तार करने तक ही रहेगा। तब तक प्रिंसिपल के कहे मुताबिक तू शहर जाकर पढ़ाई कर और वहां हमारे डिपार्टमेंट के लोग तेरा पूरा ख्याल रखेंगे। चाचा जी, मैं भी चला गया तो इनकी हिफाजत कौन करेगा? जब मैं तुझे बचा सकता हूं तो क्या इन्हें बचा पाऊंगा? गणेश, वो लोग अपने चाकू से लोगों की जान लिया करते हैं, तुम अपने चाकू से लोगों की जान बचाओगे, लेकिन अगर तुम यहां रहोगे तो वो लोग तुम्हें हत्यारा बनाए बिना नहीं छोड़ेंगे। हर हालात में हम तुम्हें डॉक्टर के रूप में देखना चाहते हैं, कातिल के रूप में नहीं। बेटे गणेश, चाहे कुछ भी हो जाए तुम शांति से रहकर कुछ बन के दिखाओ। ए भाई गणेश, उन जालिमों ने तुम्हें और उस लड़की को 3 दिनों में जान से मारने की कसम खाई है यार, अब तुम क्या करोगे मेरे भाई? हेलो। ओए, तेरी लौंडिया को मारने के लिए उसके घर आया तो वो तुझसे मिलने के लिए तेरे कॉलेज गई है, उसे वहीं खत्म करने के लिए मैंने हाथी भेजे हैं। हे, लड़ाई हम दोनों के बीच है, उस लड़की को कुछ मत करना। दिन गिन लेना, उसके बाद तेरी बारी है, ये याद रखना। भैया, अबे गधे, हमसे पहले उसे कौन ले जा सकता है? हमने सोचा उस दिन तुमने हमें गुंडों के हवाले कर दिया, लेकिन वो लोग तुम्हारे चाचा के डिपार्टमेंट के आदमी थे, यह हमें बाद में पता चला। बेइंतहा रिस्क लेकर तुम डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, हम तुम्हें शक्ल दिखाने के भी लायक नहीं है गणेश। ये जब तुमसे मिलने के लिए हमारे कॉलेज आई थी तब कुछ गुंडे इसे पकड़ने के लिए यहाँ आए थे, उन्हें चकमा देकर हम इसे यहाँ तक ले आए। ये मेरा इलाका है गणेश, यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें जो भी मदद चाहिए हम तैयार है। तुमने जो मदद की उसके लिए थैंक्स, ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं संभाल लूंगा। चलो, चल रहे। मेरी मदद करने की वजह से ही आपके साथ ये सब हुआ है। वहां पे हुई उस वारदात के बाद मैं आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन मैं मिल नहीं पाई। दोबारा बस स्टैंड में आपको देखा तो अपने आप पर मैं इस तरह क्यों पेश आई? मैं खुद नहीं जानती। I think I love you. मेरी बात सुनिए, मैं किसी से प्यार करने की हालत में नहीं हूँ। शिवानी के दोनों भाई इस गलतफहमी में हैं कि हम दोनों प्यार कर रहे हैं, इसलिए मुझसे पहले आपको मारने के इरादे से वो आपको ढूंढ रहे हैं। कुछ दिन के लिए आप घर से बाहर मत निकलिए, इसी में आपकी भलाई है। चलिए चलते हैं। जब मुझे नहीं पहचानते थे तब भी तुमने मुझे बचाया था, अब जब जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो नहीं बचाओगे क्या?
रोके जो रप्पा रप्पा बेटा दूं रप्पा रप्पा पास आ रप्पा रप्पा महबूबा मस्ताना रप्पा रप्पा तेरी हूँ रप्पा रप्पा चाहती हूँ रप्पा रप्पा तेरा जप्पा कल रात को नींद से जगा गई जो वो थी तेरी सदा के बाद में मिलते हैं। बाय। देखती हूँ गणेश को मेरी परवाह है या नहीं। हेलो। मैं रीमा बोल रही हूँ। बोलिए क्या बात है? मैं सेमिनार के सिलसिले में ग्लोबल टावर आई हूँ। आपको बाहर घूमने के लिए मना किया था ना? वो छोड़िए, एक जरूरी बात जो मुझे मानना चाहते हैं वो इस वक्त यहीं पर है। उससे ये बोलने वाली हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हेलो हेलो गंगू भैया, यही उस गणेश का माशुका है। Look at me! Hey! Look at me! Hey!
तुझे बात समझ में नहीं आती? तू चाहे जितनी बार भी आए तेरा अंजाम यही होगा। मेरी बात मान, ऊपर आ जा। तेरी मेहरबानी से मिलने वाली जिंदगी का बोझ होने से बेहतर है मौत को गले लगा लेना। राजा भैया, राजा भैया, राजा भैया, कैसे? जिसे मरना चाहिए वो अभी तक जिंदा है, लेकिन हमारे अपने एक एक हमें छोड़ के जा रहे हैं। कहाँ है वो? कहाँ है वो? Oh my God, shit! क्या हुआ सर? राजा भैया जेल से फरार हो गया। उसने रीमा को किडनैप करके गणेश को वहां पर बुलाया और गणेश वहीं पर जा रहा है। वहां कोई खून खराबा हो उससे पहले उसे रोकना होगा। शिवानी से शादी करता तो कितना खुश रहता, ये सोच सोच के तू तड़पेगा। कहाँ है वो लड़की? तुझसे शादी करने का सपना देखने वाली कोई लड़की जिंदा नहीं बचनी चाहिए, यही मेरी बहन की आखिरी ख्वाहिश थी। अगर मैंने उसकी इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं की तो मैं उसका बड़ा भाई कहलाने के लायक। उस लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है? दर्द होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। मैं अब बोलता हूं, गौर से सुन। मैं इस लड़की से प्यार करता हूं और इसी से शादी करने वाला हूं। तुम्हें तो इसे छूके दिखा, आजा। काट के दिखा।
साले। काटल आपने बाबूजी का टांग तोड़ा था ना। इसी टांग से इसे लात मारा था ना। क्यों क्यों इस तरह जानवर बना घूम रहा है? तेरे खानदान में कोई भी शराफत की बात नहीं समझता। तू एक बात जानता है, जैसे ही पता चला कि तेरी बहन मर गई तब तुम सबसे ज्यादा अफसोस तो मुझे हुआ था। मैं चाहता था कि तेरी बहन एक अच्छी औरत बने, लेकिन कभी उसे मुर्दा नहीं देखना चाहता था। तेरे भाई की इतनी जिद, उसकी जान बचाने की मैंने कितनी कोशिश की पता है, लेकिन उसकी जिद ही उसकी मौत बन गई। मरने और मारने के लिए पागल बने घूम रहे हो, जान की कीमत जानते हो तुम लोग? यहाँ के तमाम स्टूडेंट्स तुम जैसे बन जाते तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं रहता। हम सब जान बचाने के लिए पढ़ाई करते हैं, जान की कीमत क्या है हम जानते हैं। किसी की जान लेना और देना सिर्फ ऊपर वाले का काम है, हम में से कोई भी यह हक नहीं रखता। अब भी मैं तुझे जान से मार सकता हूं, लेकिन वो मेरा मकसद नहीं है। ए, इंसान बनने की कोशिश कर। तुमने झूठ कहा ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं हेलो गणेश, राजा भैया को तो कुछ मत करना। अब वो हमें कभी परेशान नहीं करेगा। और एक बात है, आप माँ और बाबूजी को लेकर घर आ जाइए, जिससे मैं शादी करने वाला हूँ।